स्टार्ट। हम यहाँ पर सुबह के भूख हड़ताल में बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं। तो शाम के टाइम अभी 4 बजे के आसपास में एक गाड़ी पुलिस की आई थी प्रशासन की, और हमें बोला कि यहाँ पे कि भाई तुम्हारे पास परमिशन है, क्यों बैठे हो ऐसे। हमने कहा हम अपने घर पे बैठे हैं भूख हड़ताल के लिए, हमें शौक तो है नहीं भूख हड़ताल का, हमें पता है गलत है, लेकिन हम तो मजबूर हो गए ना भूख हड़ताल के लिए, हम करें भी तो क्या करें बताओ। मतलब जो कांड हमने मतलब किया नहीं, और हमारे चंद्रशेखर भाई ने, शिव कुमार भाई ने, सोनू ने, उनकी उनको सजा भी दी जा रही है, जैसी कार्रवाई कार्रवाई उन पर की जा रही है जो टेररिस्टों पर होती है। तो बताओ हम और क्या कर सकते हैं, प्रशासन हमारी सुनता नहीं है। कहीं डीएम के पास हमने कितने ज्ञापन दिए, एसडीएम को देगा परसों भी। सुबह कितने पुलिस की गाड़ियाँ थी? सुबह सर एक गाड़ी थी, और अब दो गाड़ी और आ चुकी है। हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि भूख हड़ताल हटाओ, ये ठीक नहीं है, और यहाँ से जाओ इधर उधर। ये ऐसे दबाव बनाना चाह रहे हैं हमारे ऊपर, पर हम करें भी तो क्या करें बताओ। हमें पता है भूख हड़ताल से हम चाहते हैं कि भाई रासुका हटे, और जब तक हम ये नहीं करेंगे हम एक अन्न का दाना नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। ये बताइए कि कितने लगभग आपने पुलिस वाले अभी तक देखे हैं यहाँ पे? काफ़ी है, काफ़ी संख्या में है। काफ़ी संख्या में, करीब 15 के आसपास में हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं है। ये आप देख सकते हैं, दो पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पे और आ चुकी हैं, पहले एक थी अब दो और आ चुकी है। एक आगे खड़ी है मोड़ पे, 3 गाड़ी यहाँ पे प्रशासन की है मौजूद, वैसे पुलिस बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या बर्ताव करती है हमारे साथ पुलिस, क्या नहीं, आपको दिखाते रहेंगे लाइव। ये बताइए कि महिलाएं कितनी देर से बैठी हैं भूख हड़ताल पे? महिलाएं सुबह से बैठी हैं जी, एक अन्न की अब तक कुछ नहीं खाया उन्होंने, और अभी भी रजाई बिस्तरे घर से बच्चों से मंगा रही है, हमारी तो सुन भी नहीं रही है। हमारे मतलब मम्मी पापा इनको बोल भी रहे हैं भैया ये गलत है उठ जाओ ऐसे, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, अब तक 6 महीने हो चुके हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया और हमारे ऊपर अत्याचार करती हुई जा रही है। तो हम करें भी तो क्या करें बताओ, सरकार के पास है जवाब कि क्या करें औरतें या इनके बच्चे क्या करें। 6 महीने से इतने परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा, जिनके घर से आदमी गए हुए हैं उनको, उनके घर को पूछ के देखो, परिवार को रोजी रोटी कैसे चल रही है, उनका घर एक टाइम खाना मिल रहा नहीं मिल रहा। सरकार ने तो एक टाइम दिया दंगे में यहाँ पर खाना, जबकि 30 दिन तक किसी के घरों में या वैसे स्थिति बनाने की खाने की नहीं रही, सबके घर के अनाज वगैरह जल गया था, और अब भूख हड़ताल के लिए मजबूर हो चुके हैं बिल्कुल। ज्ञापन पर भी देगा ऐसे भाई रसूख हटाई जाए, और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, और मजबूरन हमें भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। भूख हड़ताल के लिए हम बैठ गए, जब तक भाई चंद्रशेखर और शिव कुमार सोनू से रसूखा नहीं हटेगी तब तक हम नहीं उठेंगे। क्या लगता है पुलिस वाले कुछ कब तक यहाँ पे रहेंगे? जब तक हो सकता है अभी तो ये कुछ करने, पर ऐसे कुछ कर मतलब अब तक तो कुछ नहीं, किसी वक्त भी अभी दबाव बना रहे हैं उधर देखो, हमारे लोगों को कैसे समझा रहे हैं कि भाई यहाँ से हटाओ इनको ऐसे गलत है, ये यहाँ पे खड़ी है पुलिस, सबको क्या रहेगा गाँव वालों को। अभी इससे पहले बात करी थी पुलिस ने आप लोगों से थोड़ी देर के लिए भी? स्टार्टिंग में जो पहली गाड़ी आई थी उसने की थी। क्या बात की थी? यही कि ये गलत है यहाँ से खड़े हो और अपने अपने घर जाओ, जो कार्रवाई सरकार कर रही है वो सही है, सफल प्रशासन बोलते हैं कि जो कार्रवाई कर रहे हैं वो सही है, हमारे ऐसे भूख हड़ताल में बैठने थोड़ी हटेगी, ऐसा प्रशासन का कहना है। हम वहाँ बैठे थे तो पुलिस ये भी कह रहे थे कि ये मतलब इल्लीगल है, अभी धारा 144 लगी हुई है, आप भूख हड़ताल पर नहीं बैठ सकते हैं, आप क्यों बैठे हैं, वापस जाइए। तो उस पर क्या कहना आपका? उस पर यही कहना कि और हम करें भी तो क्या करें, हमें प्रशासन जवाब दे सकता है कि हम करें क्या करें बताओ, हमें इंसाफ नहीं मिला अब तक भी, स्टार्टिंग से हमारे साथ एक तरफा कार्रवाई होती आ रही है। ये देख सकते हैं आप लोग कि कैसे मतलब कंबल और रजाइयाँ लेके लोग आ रहे हैं यहाँ पे, यहीं रहेंगे आज, यहीं सोएंगे, भूख हड़ताल जारी है, भूख हड़ताल अभी तक भूख हड़ताल पे बैठे हैं और महिलाएं यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे बच्चे भूखे बैठे हैं। और यहाँ पे अभी आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस की 2 गाड़ियाँ भी खड़ी है, थोड़ी लाइट यहाँ पे कम है बट देख सकते हैं यहाँ पे 2 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है, वहाँ पे गांव वालों को समझा रही है वहाँ पे पुलिस, और यही कि आप वापस चले जाइए, भूख हड़ताल तोड़ दीजिए, और इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, धारा 144 है। या आप देख सकते हैं एक और लड़का युवक यहाँ पे गद्दे लेके आ रहा है,
और यहीं पे आज लगता है यहीं पे आज पूरी रात यहाँ पे रुकेंगे है। ये बताइए, आप बताइए अपना नाम बताइए आप। हाँ, ये बताइए कि आप सुबह से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठी हैं। ये पुलिस वाले भी, अब पहले एक वैन थी यहाँ पे, अब दो गाड़ियाँ आ चुकी हैं। क्या आपको लग रहा है प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है? जी। और अभी यहाँ यहीं पे गद्दे वगैरह भी देख रहा था, गद्दे आ रहे हैं यहाँ पे, रजाइयाँ कंबल आ रहे हैं। हम यहीं पे रहेंगे। आप यहीं पे रहेंगे? हाँ। हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो हम यहीं से उठ के नहीं जाने वाले, आज यहीं पे ही रहेंगे पूरी रात। आपने भी अभी भूख हड़ताल पे, आपने भी भूख हड़ताल पे सुबह से यहीं बैठे हम। हाँ। यहीं से हम जाने नहीं वाले जब तक हमें कोई मुआवजा नहीं मिलने का। चंद्रशेखर भाई और शिव कुमार भाई जी, प्रधान जी और सोनू भाई जी पे रासों का नहीं हटाई जाएगी तो हम यहीं से उठ के नहीं जाने वाले, आज हम यहीं पे रहेंगे पूरी रात। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं। ये बताइए आप मुझे, आपकी आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र कुल 17 साल है। आपका नाम क्या है? शिवानी। शिवानी, आप ये बताइए, आपने भी, आप भी सुबह से भूखे हैं, उनका दाना अंदर नहीं गया है? नहीं जी, हम सुबह से नहीं बैठे। और प्रशासन ने कोई आपके ऊपर कोई बात ऐसे नहीं करी कि आप प्लीज भूख हड़ताल रिक्वेस्ट नहीं करी है? नहीं जी, प्रशासन भी और हमें कह रही कि तुमने परमिशन भी मांगी नहीं। परमिशन तो हमें उस दिन भी नहीं मिलती, उस दिन 5000 आदमी हमें मरने आए थे, प्रशासन उनकी जेल था। हाँ, उस दिन भी प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया था, राजपूतों का ही साथ दिया था। हाँ, तो मतलब जब उन्होंने दंगा करते टाइम परमिशन नहीं मांगी तो आप भूख हड़ताल के लिए आपको क्यों परमिशन मांगनी चाहिए? सही बात है। ये बताइए कि पहले यहाँ पे एक ही पुलिस गाड़ी थी, अभी पुलिस की गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है, सुरक्षा बल भी आते जा रहे हैं यहाँ पे, पुलिस के लोग आते जा रहे हैं ज़्यादा। कुछ आपको ऐसा लग रहा है प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है? बताइए। हाँ जी बिल्कुल, हम यहाँ से साइन आउट कर रहे हैं। अभी तक भूख हड़ताल यहाँ पे जारी है और काफ़ी भूख हड़ताल अभी कुछ देर तक जारी ही रहेगी। यहाँ पे अभी महिलाएं अभी तक भूख हड़ताल पर है।